जहाँ प्रेम ही है पूजा जाओ रे। और थैंक यू सो मच सबका, मिलते हैं कभी, बाय बाय। पड़ेगा काफी बड़ा डेंजर, ऑफ रोड है। भाई ऐसे लोकेशन पे आप जब भी आते हो जहां पर कोई भी नहीं, तो ये हमारे 32 पकवान रेडी है। चलो थैंक यू अंकल, निकल दे अभी। चलो और बात भैया, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर कभी, दूसरी बार मुलाकात करेंगे। श्योर श्योर। तो ये हमारे 32 पकवान रेडी है। तो ये है गाइस दादावाड़ी, जहाँ पर हम ठहरे थे करीबन 5-6 दिन से, डोरमेट्री। तो कुछ डोरमेट्री का व्यू आपको दिखा था। वो ये जोशी दादा, जोशी दादा कैसे हैं आप? दीपक जोशी, वेरी फाइन जी, थैंक यू। केम छो दादा, मजा में? राइट। तो ये है गाइस ये पूरी डोरमेट्री, बहुत सारे यहाँ पर बेड है। तो कभी भी आप भूल जाते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। हमारा ऑलमोस्ट सामान सभी रेडी है निकलने के लिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? तो अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो भाई जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस चैनल को, जिसका नाम है डायरेक्शन माइल्स। तो ऑलमोस्ट हम निकलने वाले भाई, यहाँ पर हम ठहरे थे करीबन 1 वीक से और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। तो ज़रूर आप भुज में आते हो तो नियर बाई हमीरसर लेक, यहाँ पर दादावाड़ी है, यहाँ पर आप ठहर सकते हैं। काफी बढ़िया यहाँ पर फैसिलिटी है। जहाँ प्रेम होती नगरी, जहाँ प्रेम ही है पूजा जाओ रे, जोगी तुम जाओ रे। तो गाइस अभी हम निकलने के लिए तैयार है, हमारा सामान भी लोड हो चुका है। और थैंक यू सो मच सबका, मिलते हैं कभी, बाय बाय। तो भुज से 2-3 किलोमीटर के अंतर पर ये है कड़की रोड। तो यहाँ से हम जा रहे थे, पहले तो भाई ये आप ये व्यू देखिए, यहाँ से खारी नदी निकलती है और ये चट्टान पूरी, यहाँ से नेचुरली स्कल्पचर आप देख सकते हो, यहाँ से निकलती है उस साइड। तो ये आप पहले व्यू देखिए, तो अभी नज़दीक चलते हैं और नज़दीक से भाई ये कुदरत का करिश्मा हम देखते हैं। और जो रईस मूवी है शाहरुख खान की, उसका शूटिंग भी यहाँ, कुछ सीन यहाँ पर शूट हुए हैं। तो अभी चलते हैं नज़दीक और वहाँ से कुछ बेहतरीन व्यू एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। तो ये गाइस देखिए, ये जन्नत, यहाँ से खारी नदी निकल दी है और ये नेचुरली जो कार्विंग किया गया यहाँ पर और स्पेशली इस साइड। तो चलते हैं अभी थोड़ा आगे का आपको व्यू दिखा दूँ। तो ये देखिए गाइस, आप सोच के देखिए कि मॉनसून के सीजन में खारी नदी जब यहाँ से निकलती होगी, कितना बढ़िया ये पूरी चट्टान काट के यहाँ से बहुत ही प्यारा यहाँ पर व्यू बना हुआ है। कच्छ से थोड़ी, भुज से थोड़ी दूरी पर यहाँ पर खारी नदी निकलती है और ये शानदार व्यू देखिए भाई आप, पूरी तरह से ब्यूटीफुल। तो गाइस आपको मालूम ही होगा कि जब रिवर इतने फोर्स से निकलती है तो ये चट्टान भी इसके सामने टिक नहीं पाती और ऐसा कुछ नेचुरल स्ट्रक्चर, ये कार्विंग आप देख सकते हैं, जो कि मोस्टली आप जब नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में जब जाओगे हिमालय की पहाड़ियों में, तब ऐसा आपको व्यू दिखाई देगा। और आगे हम जहाँ पर जाने वाले हैं काड़िया ध्रुव, वहाँ पर भाई नेक्स्ट लेवल वहाँ का सीन है। ये तो कुछ नहीं उसके हिसाब में, लेकिन भाई आप पीछे का व्यू देखिए। Thank you.
कितनी ब्यूटीफुल ये प्लेस है, चारों तरफ ये चट्टान और बीच में से यहाँ से खारी नदी निकलती है। तो भाई जब भी आप भुज में आते हो तो एटलीस्ट वंस टाइम एक बार ज़रूर आप यहाँ पर विजिट कीजिए, क्योंकि ऐसी मोमेंट, ऐसा कुदरत का नज़र आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और भाई अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी चट्टान अभी गीली है, यहाँ से पानी की बूंदे अभी गिर रहे हैं यहाँ पर, और आगे बहुत सारा ऐसे मिट्टी और मैं आगे नहीं जाना जाता। यहाँ से आप देखिए पूरा व्यू, ज़रूर आप कमेंट में बताइए कि यहाँ पर आप आ चुके हैं, अगर नहीं आ चुके तो आपको ये व्यू कैसा लगा भाई। भाई ऐसे लोकेशन पे आप जब भी आते हो जहाँ पर कोई भी नहीं होता तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको कोई मना करने वाला, कोई रोक टोक वाला कोई नहीं होता, और उसका जो भाई मज़ा है, उसका जो आनंद है, वो माय गॉड नेक्स्ट लेवल है। तो भाई ये तो हमने देखा प्यारा सा व्यू, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप जहीं पर भी देखे कूड़ा कचरा फैला हुआ है बहुत सारे क्रैकर्स के यहाँ पर, तो भाई इतनी अच्छी प्यारी प्लेस है, तो भाई आप यहाँ पर कभी भी आते हो तो प्लीज़ यहाँ पे भी और कहीं पे भी मोन्यूमेंट फोर्ट में कहीं पे भी जाए, प्लीज़ कचरा ना फैलाए, अपने घर की तरह ये सभी मोन्यूमेंट की केयर कीजिए भाई। तो ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ से काड़िया ध्रुव। तो भाई यहाँ से थोड़े हम आगे निकल चुके हैं, तो यहाँ पर अरबाज भाई की शॉप है, यहाँ से हम पहले एक प्लेस पे घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे अरबाज भाई मिले थे, तो भाई वहाँ से स्पेशली हमें मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, कॉल आया था, तो थोड़ी देर यहाँ पर उसकी जो शॉप है वहाँ पर बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, और फिर यहाँ से निकले गए हम आगे। कुछ यहाँ पर नरेंद्र भाई ब्लॉग कर रहे हैं, और यहाँ अरबाज की दूसरी दुकान है, और उनके चलो अरबाज भाई चाय पिला दीजिए। वो भी माउंटेन पे अभी चर्चा करेंगे। चलो थैंक यू अंकल, निकल दे अभी, चलो अरबाज भैया थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर कभी, दूसरी बार मुलाकात करेंगे। श्योर श्योर। तो गाइस यहाँ पर थोड़ी भी देर चाय पानी भी भैया और अंकल के साथ थोड़ी भी बातचीत की, और अभी चलते हैं कड़िया ध्रुव। तो भाई ऑलमोस्ट अभी हम पहुंचने वाले हैं काड़िया ध्रुव, लेकिन यहाँ का जो रास्ता है भाई काफ़ी डेंजर है, पीछे आप जिप्सी देख सकते हैं, तो स्पेशली आप यहाँ पर आते हैं तो आपको जिप्सी में बैठने आना पड़ेगा, काफ़ी भाई डेंजर ऑफ रोड है। तो ये देखिए गाइस ऑफ रोड का बेताज बादशाह जीप, हमारे नरेंद्र भाई वहाँ से चल के आ रहे थे, फाइनली बैग हमें मिल गया है। तो भाई यहाँ आने का जो रास्ता था भाई काफ़ी नेक्स्ट लेवल था, पूरा ऑफ रोड था। तो अभी फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ काड़िया ध्रुव, तो अभी ऑलमोस्ट सनसेट हो रही है, तो कुछ सनसेट का आपको व्यू यहाँ का दिखा दूँ। आगे है काड़िया ध्रुव पॉइंट, और यहाँ पे भी बहुत सुंदर यहाँ पे एक पॉइंट है सेल्फी के लिए फोटोग्राफी के लिए, तो कुछ सनसेट का आप एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर ही हम ठहरने वाले हैं, नाइट कैंपिंग यहाँ पर करने वाले हैं, और सुबह का जो सनराइज़ का आपको बहुत ही अच्छा यहाँ का हम व्यू एंजॉय करेंगे। पहले यहाँ का कुछ आपको ये व्यू मैं आपको दिखाता हूँ।
वहाँ पर हमारी बाइक है। शाम ऑलमोस्ट ढल चुकी है, आप जी एक कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। वहाँ पर हम गए थे आगे, और इस साइड यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर कतार भाई है जो हमसे मिले थे आगे। तो यहाँ पर हम नाइट रुकाने वाले हैं, यहाँ पर या शायद आगे जो बाइक का फार्म है वहाँ पर हम नाइट स्पेंड करेंगे। और ये कुछ है इस शॉप का, कतार भाई मजा मा और भाई यहाँ से जो रिवर क्रॉस होती है तो चारों तरफ ये पूरा खुला एरिया है, तो रात को काफी ठंड होने वाली है। यहाँ पर हम टेंट बिछा के यहाँ पर हम सोने वाले है। सतर भाई बोल रहे थे कि उसका जो पीछे फार्म हाउस है वहां पर हम जाए, लेकिन भाई हम यहाँ पर ये सिचुएशन, ये लोकेशन यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। रात को बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो यहाँ पर टेंट बिछा दे। तो आखिरकार गाइस हमारा टेंट भी रेडी है, और जो सत्तर भाई है वो अभी शायद किसी को यहाँ पर भेजेंगे हमारे लिए खाना, अभी टिफ़िन वहाँ पर आने वाला है। तो काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर हमें सत्तर भाई मिले थे, काफ़ी हमारी हेल्प की। तो टेंट हमारा रेडी है, यहाँ पर अभी खाना खाएंगे, सो जाएंगे, और सुबह पूरा नज़ारा कड़िया दरो और सनराइज़ का मूवमेंट। तो अभी गाइस 9:22 टाइम हुआ है, और हमारे लिए अल्ताफ भाई, समीर भाई स्पेशली यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर भाई का विलेज है, तो स्पेशली हमारे लिए यहाँ टिफ़िन खाना लेके आया है भाई। तो ये है अल्ताफ भाई, समीर भाई, तो आप दोनों का दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू। और भाई हमारे लिए स्पेशली खाना लेके आया है, मैं आपको दिखा था कुछ। तो ये हमारे 32 पकवान रेडी है, रोटी, ये चना दाल की सब्जी डिलीशियस, राइस है, दाल है, अचार है, और स्पेशली छाछ भी है, क्योंकि भाई जो गुजराती पर्सन है तो भाई गुजराती पर्सन कुछ भी खाना खाए लेकिन छाछ के बिना भाई उसका खाना अधूरा रहता है। तो ये है हमारा आज का डिनर, वो भी भाई ऐसे प्लेस पे, चारों तरफ यहाँ पर कड़िया दरो है, चारों तरफ खुला मैदान है, पूरा रिमोट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। तो अभी खाना खाते हैं। सच में भाई लाजवाब, इसमें जो गार्लिक है, ओनियन है, टोमेटो है, उसका जो भाई टेस्ट है ग्रेवी का, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। तो भाई वंस अगेन आप दोनों का थैंक यू। और आज का हमारा दिन काफ़ी लाजवाब रहा, थोड़ी बहुत दिक्कत भी रही यहाँ पहुँचने के लिए क्योंकि इतना ऑफ रोड है इसलिए, और बाद में यहाँ पर हम आए कड़िया धरो, खाना वाना खाया, तो अभी टाइम है सोने का, सुबह मिलते और सुबह यहाँ का भाई बेहतरीन व्यू, क्योंकि सुबह जो सनराइज़ होता है उसकी जो प्यारी सी जो किरणें जो रिफ्लेक्ट होती है ये सारे जो नेचर पे, जो क्रिएशन पे, वो तो भाई काफ़ी नेक्स्ट लेवल होता है भाई। तो मिलते हैं सुबह गाइस, गुड नाइट।